बल एयरपोर्ट के बारे में उपमंडल अधिकारी बल की अध्यक्षता में छात्रों व डियोडा मुहाल के किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वेबकोस कंपनी एवं एसआर इंडिया के एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले ग्राम छात्रों के किसानों की तरफ से दिलीप पंत ने छात्रों मुहाल के द्वारा मांग पत्र दिया गया और विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि बल की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, जिसमें किसान तीन तीन फसलें ले रहे हैं और अपना रोजगार एवं परिवार को चला रहे हैं। दिलीप पंत ने कहा कि हमारी जमीन चली जाएगी तो यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जमीन के सर्कल रेट 9.5 लाख पैरा बीघा इतने कम हैं कि दूसरी जगह जमीन नहीं ले पाएंगे। आसपास में जमीन के रेट 5 करोड़ पर बीघा से भी ज्यादा है, इसलिए 25 लाख बीसवा से कम उन्हें मंजूर नहीं। वहीं इस बैठक में पूर्व प्रधान बलराज चौधरी ने भी एयरपोर्ट को कहीं बंजर जमीन पर बनाया जाए ताकि किसानों को बचाया जा सके। तो इस मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस एयरपोर्ट को यहाँ उपजाऊ में जमीन में ना बना करके कहीं बंजर जमीन में बनाया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं वो उजड़ने से बच सके। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। ज्यादा ना कहता हुआ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी यहाँ आए और बारी बारी से अपने विचार रखें ताकि प्रशासन को भी ये सही रूप से स्पष्ट पता चले। बाकी ये सर्वे वगैरह की बात है, ये कुछ प्रक्रिया है, ये चली रहती है। आप सभी एक ओरिजिनल अपना वाक्य जो है अधिकारियों के समक्ष रखें और आने वाले समय में ये बातें आपके हित में उतरें, आपके जो हक हैं वो आपको मिले। ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ वापिस आता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। यह हुआ है सर्वे, ये 38 नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 101 पेड़ है। अगर हमारी लाइन में कोई यहाँ बैठे हुए लोग हैं सारे, उनके घरों के आसपास देखे जाए, उनके खेतों में देखे जाए, तो मैं 101 पेड़ के ही है। नहीं सुनिए आप बात को, और साथ में हमारे पास सोर्सेज है, जैसे कुएं गवर्नमेंट के कुएं लिखे हुए, पर्सनल बोर्ड पर भी लिखे, ठीक है। और भी बातें बहुत सारी, ठीक है मैडम। गांव माल छात्र हूँ, तहसील पंच जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है मैं, और हमारी जमीन प्रतापी नागचला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के लिए अधिकृत की जा रही है। हम सब की जमीन अधिकृत होने के पश्चात जो समस्या आने वाली है उसे आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है जी, लिखित रूप में दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं लिखित रूप में दे रहे हैं, ठीक है जी, ताकि आने वाले समय में सरकार और भूमि मालिकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न ना हो, ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए बात। माल छात्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, जिसमें नकदी फसलें जैसे टमाटर, मटर, गोभी, खीरा, करेला, घिया, कद्दू, प्याज, आलू इत्यादि लगाए जाते हैं, ठीक है जी। और माल छात्रों के बहुत से परिवार इन नकदी फसलों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। इन्हीं की जो ये गांव है इसमें आज की डेट में एम्प्लॉयज बहुत कम है और खेती पे ही निर्भर है सारे, और खेती जो बहुत उपजाऊ है, ठीक है जी। अब सरकार द्वारा माल छात्रों का जो भूमि सर्कल रेट निर्धारित किया है वह बहुत ही कम है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।